इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी और शिवसेना के बीच समझौता हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, डील पक्की। मामला क्या है? बीजेपी शिवसेना में समझौता जो हुआ है, इसका क्या अब स्टैटिस्टिक्स है? क्योंकि यहां पर आंकड़ों की बात हो रही है। शिवसेना 151, 130 पर बीजेपी लड़ेगी। 7 सीटें सहयोगी दलों को दी जाएंगी, सूत्रों का यह कहना है। शाम तक हो सकता है फैसला। शिवसेना ने नया प्रस्ताव दिया है, यह बीजेपी का कहना है। और अब लगता यह है कि दोनों शाम को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 4 सहयोगियों से चर्चा होगी, बीजेपी का यह भी कहना है। और इस वक्त जो हमारे पास खबरें आ रही है, आपके सामने यह खबर है। सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी और शिवसेना में जो डील है वो पक्की समझी जा रही है। इस डील पर बातचीत की संजय राउत से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत ने। नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और शिवसेना मिलकर उन्होंने नई बातें कही है। नया प्रपोजल शिवसेना ने दिया है, क्या है प्रपोजल की बात मैं नहीं करूंगा। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहेगा, महाराष्ट्र में हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अभी हम प्रस्ताव पे चर्चा नहीं कर रहे। संजय जी ने ये बात कही है कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन जरूर रहेगा, सीट की वो बात अभी इस वक्त नहीं करेंगे, लेकिन एक बात पक्की है कि गठबंधन जरूर होगा, अलायंस जरूर होगी और शाम तक छोटी पार्टियों के साथ डिस्कस करके पूरा निर्णय ले लिया जाएगा सीट शेयरिंग के ऊपर। कैमरा पर्सन मंगेश सावंत के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई आज तक। यानी शाम तक ये पूरी चीज पक्की हो जाएगी, ये समझा जाए। हमारे साथ इस वक्त राजदीप सारदेसाई, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, मतलब जैसे तैसे महायुति को बचा लिया गया लगता है। जो हमारी खबर है कि 151 शिवसेना को है, 130 बीजेपी को है और 7 सीट स्वाभिमान संगठन जो राजू शेट्टी की पार्टी है उनको है। लेकिन बीजेपी के कोटे से जो छोटे 2-3 गुट है, जैसे अठावले का RPI है, उनको 130 में से 3-4 सीट दिए जाएंगे। यानी बीजेपी शायद 125-126 सीट लड़ेगी, लेकिन 119 सीट जो पहले बीजेपी शिवसेना दे रही थी उससे थोड़ा ज्यादा उनको मिल रहे हैं। यानी कुछ शिवसेना को भी एक तरह से झुकना पड़ा है और कुछ हद तक बीजेपी जो एक समय कह रही थी हमको 135 सीट चाहिए, उनको भी थोड़े 5-7 सीट कम मिल रहे हैं। यानी दोनों तरफ से एक तरह से एक समझौता हो गया है कि अगर हम अलग लड़े तो शायद हमारी जो स्थिति है वो थोड़ी कमजोर हो सकती है। अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं तो फिर हम साथ में लड़ते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि मुख्यमंत्री किसका होता है, क्योंकि असली लड़ाई आज तक इसी बात पर थी कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा। ये जो लड़ाई है मुझे लगता है चुनाव के बाद होगी, जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी उनका मुख्यमंत्री बनेगा। यहां पर एक सवाल मैं जानना चाहता हूं, शिवसेना कैसे झुकी है? बीजेपी का तो समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा झुक रहे हैं, शिवसेना अभी भी अपने 151 पे अड़ी हुई है। हाँ, शिवसेना 151 पे अड़ी हुई है, लेकिन शिवसेना तब कह रही थी कि बीजेपी को वो 119 ही सीट देगी और जो सहयोगी दल है उनको 18 सीट मिलेंगे। यानी सहयोगियों पर वैसे दबाव डाला गया है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि शिवसेना नहीं झुकी, सहयोगी दल जो है उन जिनकी बार्गेनिंग पावर थोड़ी कम है उनको कहा गया है पहले आपको 18 सीट मिल रहे थे, अब आपको 7 सीट दे रहे हैं स्वाभिमान संगठन को, और अभी तक यह पता नहीं है कि अठावले को कितने सीट दिए जाएंगे या शायद विधान परिषद में उनको अकोमोडेट किया जाएगा उनकी पार्टी को। तो एक तरह से बीजेपी शिवसेना ने तय किया, जैसे मैंने कहा कि उनको लगता है कि अगर चुनाव जीतना है तो साथ में लड़कर जीतना है। वीरेंद्र सिंह गुनावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, ये जो पूरा मामला आया है, जो डील पक्की की बात हो रही है, कब तक फाइनल फैसला आ जाएगा? ये तो अभी खबर आ गई है, लेकिन फाइनल फैसला कब तक बता देंगे? और क्या सब कुछ सारे इश्यूज पे बातचीत हो गई है? क्योंकि थोड़ी देर पहले साहिल से जो हमारी बातचीत हुई, जब हमने मुख्यमंत्री वाली सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे अभी कोई भी। निशांत, इसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि आज शाम तक नंबर्स तय हो जाएंगे, शाम को जो इनके अतिरिक्त 4 और पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत कर नंबर्स पे तय हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात है कि जो सबसे अहम बात है, पितृपक्ष चल रहा है, अमावस का जो मुहूर्त है वो कल 11 बजे तक सुबह तक रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा वो हो सकता है कि कल 11 बजे के बाद ये अनाउंस कर दे शिवसेना बीजेपी कि किन आंकड़ों पे इनका
डील तय हुआ है, लेकिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आज तक को दिया गया है कि गठबंधन तय है, गठबंधन होगा। बल्कि आशीष शेलार ने इतना तक कहा कि युति बिल्कुल बरकरार है और बल्कि हम कांग्रेस और एनसीपी को हराएंगे। तो साफ तौर पे जो एक बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा था महाराष्ट्र में कि क्या बीजेपी और शिवसेना अलग हो जाएंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस पर तो अभी विराम लग गया है कि भाई महायुति बनी रहेगी, बस अब आंकड़ों की बात है, वो शाम तक तय हो जाएगा। और वो जो मुख्यमंत्री को लेकर सवाल है, जिसके ऊपर कल राजीव प्रताप रूड़ी ने बकायदा बयान दे दिया था कि ये संघर्ष मुख्यमंत्री पद को लेकर दिखाई देता है, उस पर कोई चर्चा हुई? इस वक्त ऑफिशियली तो अभी कोई किसी भी नेता ने या किसी भी अंदर के पार्टी कार्यकर्ता ने ये बात बिल्कुल नहीं कही है कि उस पर क्या बातचीत हुई है। बातचीत जरूर हुई होगी क्योंकि तमाम यहाँ वरिष्ठ शिवसेना के नेता यहाँ आए थे, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, मिलिंद नार्वेकर, जबकि उद्धव ठाकरे के सबसे खास माने जाते हैं, संजय राउत, इस तमाम बातें लेकर यहाँ आए थे। एक बात तो तय है जो कहीं ना कहीं अंदर के लोग बता रहे हैं कि जो सीएम पद का जो उम्मीदवार होंगे वो कहीं ना कहीं शिवसेना के ही बने रहेंगे, लेकिन जो शिवसेना की जो मेन कंफ्यूजन थी और जो कहीं कि उनके लिए जो रीढ़ का गले की हड्डी थी वो थे आंकड़े, मिशन 150। क्या ये मिशन 150 बरकरार रहेगा या फिर उसमें भी काफी डाइल्यूशन हो गया है, कॉम्प्रोमाइज शिवसेना ने कर ली है, वो शाम तक पता चल जाएगा। राजीव, अब मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ये साफ नहीं हो पाया है कि इस पर क्या चर्चा हुई। कोई कुछ कहना भी नहीं चाह रहा है, सर को इस पे बोलने से बच रहा है, ये लड़ाई अब आगे भी जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि शायद किसी को इस समय प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो इस महायुति के मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना जो अपने पोस्टर्स लगाएगी उस पर उद्धव ठाकरे की छवि बिल्कुल लार्जर देन लाइफ होगी, हर पोस्टर पर उद्धव ठाकरे दिखाई देंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, इस समय कोई ऐसा नेता नहीं है जिनको वो तुरंत प्रोजेक्ट कर सके, क्योंकि इससे और एक लड़ाई शुरू हो सकती है पार्टी के बीच। तो मुझे लगता है ये जो मामला मुख्यमंत्री का है ये बड़ा पेचीदा है और ये चुनाव के बाद ही इस पर निर्णय होगा। इसका निर्णय आज नहीं किया जाएगा, इसका निर्णय किया जाएगा 19 अक्टूबर के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं। अगर बीजेपी की स्ट्राइक रेट शिवसेना से अच्छी रहती है और बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती है तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री के दावेदार बीजेपी रहेंगे। नितिन गडकरी का नाम है, देवेंद्र फडणवीस का नाम है, और मुझे लगता है नितिन गडकरी का नाम शायद आगे भी निकल सकता है इस पूरे लड़ाई में। लेकिन अगर शिवसेना को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो स्वाभाविक है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चुनाव के पहले किसी एक व्यक्ति को मुझे नहीं लगता ये महायुति इस समय प्रोजेक्ट करेगी। एक सवाल है मेरा, एक जो महाराष्ट्र का वोटर है वो और एक आम दर्शक जो देश भर का है उसके जहन में एक सवाल आ रहा है। इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस तक दोनों पार्टी आ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर बड़े तलखी के बयान दिए जाते हैं, थोड़ा डाइल्यूशन दिखाई देता है। कल जब तारीफ करते हैं उद्धव ठाकरे सामना में प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन एकाएक आज बीजेपी नेता की गाड़ी में शिवसेना के जो नेता आते हैं, ये हुआ क्या आज? ऐसा क्या परिवर्तन आया रात भर में जो लगा कि नहीं हम कुछ ज्यादा ही झगड़ा कर रहे हैं? देखिए, मुझे ये पहली बार ऐसे नहीं हुआ है। बार बार हम देखते हैं चुनाव के पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच में सीटों को के बंटवारे को लेकर कुछ ना कुछ तनाव रहता है। लेकिन आरएसएस, मुझे लगता है इस मामले में आरएसएस ने दखल अंदाजी की। आरएसएस ने साफ कहा, ओम माथुर जो वहां बीजेपी के तरफ से नेगोशिएशन कर रहे थे उनको कहा कि आपको डील करवानी है। पितृपक्ष 24 घंटे में खत्म हो रहा है, नवरात्र शुरू हो रहे हैं, अब समय नहीं रह गया है, नॉमिनेशन प्रोसेस 27 तारीख को खत्म हो रहा है। और दोनों तरफ मुझे लगता है एक बेचैनी सी थी, शिवसेना में भी एक बेचैनी थी, क्योंकि भले ही उद्धव ठाकरे कह रहे थे बार बार कि हम अकेला लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो भी जानते हैं कि बगैर बीजेपी के उनकी जो एक उनका जो सपना है कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूं वो शायद बन नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को लगा कि अगर हम समझौता नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में बहुत दबाव लगाया, आरएसएस ने भी दबाव लगाया है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी एक तरह से दबाव लगाया है कि कहीं ना कहीं स्टेट यूनिट जो थी, राज्य पार्टी जो स्टेट लेवल पर थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई समझौता हो, वो चाहती थी अगर हो सके तो हम अकेला चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस ने तय कर लिया, खासकर कि बाय इलेक्शंस में जिस तरह की बीजेपी की परफॉर्मेंस हुई उसके बाद, कि अगर हम अलायंस नहीं करते तो हमारा ही नुकसान होगा। डील पक्की ये पूरी तरीके से होता दिखाई दे रहा है। राजदीप सरदेसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। यहां पर अगर बलिदान की बात की जाए तो जो बाकी महायुति के पार्टनर्स हैं उन्होंने सबसे बड़ा बलिदान किया है इसको बचाने के लिए, क्या ये समझा जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक तरह से जो छोटे पार्टियां थी वो इस तरह से इस
इस प्रकार के अलायंस में उनकी जो बार्गेनिंग पावर वो बहुत कम थी। वो क्षेत्रीय दल है, जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में राजू शेट्टी का एक तरह से वर्चस्व है, अगर आप आरपीआई देखें तो वो एक कमजोर पार्टी अब हो गई है, उनके बहुत कम वोट हैं, इसलिए इन पर दबाव डाला गया कि आप इतने सीट मत मांगिए, उनके सीट्स कम किए गए हैं ताकि शिवसेना लोगों के सामने जाकर कहे कि हमारे 150। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इन पे दबाव डाला गया और कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उससे लग रहा था ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है इन पार्टियों में बहुत कम बार्गेनिंग पावर है, ये उतने मजबूत नहीं है और शिवसेना इस समय 150 के नंबर से कम होने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, मुझे लगता है बीजेपी को अभी भी अपनी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, बीजेपी अभी भी समझती है कि इस बार्गेन के बाद भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है और उसके लिए शायद उनके पास इतिहास के आंकड़े हैं जिसमें वो हमेशा कहते आए हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट हमेशा से बेहतर रहा है शिवसेना से कम पिछले के 3 चुनावों की अगर बात की जाए उसके लिहाज से। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो डील पक्की है। बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप हमसे बातचीत करने के लिए आपका।